अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम कॉन्ट्रैक्ट को कवर करेंगे। ये सब्जेक्ट बेसिकली सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर 2 में भी पढ़ाया जाता है, और एनुअल ईयर्स में देखें तो एनुअल फर्स्ट ईयर और एनुअल सेकंड ईयर में भी पढ़ाया जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के जो दो हिस्से हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2 के नाम से जिसको जाना जाता है, जो सेमेस्टर 3 और 4 में दो सेमेस्टर्स में आधा आधा करके हमें पढ़ाया जाता है, हम इस वीडियो सीरीज़ में इसको कवर करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में आपको लॉ अकेडमी की तरफ से सारे के सारे टॉपिक्स पर लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन लेक्चर्स को देखने से पहले आप अपनी आउटलाइन जरा अपने सामने रिव्यू करेंगे जो आपको एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये आउटलाइन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की प्रोवाइड करदा आउटलाइंस को देखने के बाद, मद्देनजर रखने के बाद, HEC का प्रोवाइडेड कोर्स मद्देनजर रखने के बाद डिजाइन की गई है। आप इसको देखकर इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। ये वीडियो लेक्चर्स सारे के सारे उसी आउटलाइन पर बेस कर रहे हैं। मजीद बना इस वीडियो सीरीज में आपको सारे के सारे लेक्चर्स पर आपको डिटेल में हेल्पिंग मटीरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकेडमी की तरफ से, लेकिन आप लोगों ने एज अ पर्सन उस मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ उसी मटेरियल पर डिपेंडेंट रहना और स्टडी मुख्तलिफ सोर्सेज से नहीं करनी। ऐसा नहीं करना, आपने उन सोर्स को मद्देनजर जरूर रखना है, लेकिन अपने कुछ सोर्सेज से भी इसको स्टडी करना है। रिकमेंडेड रीडिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एकेडमी की तरफ से कौन सी रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, और साथ में उन तमाम किताबों की PDF भी आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे एकेडमी की तरफ से। इसके अलावा हर लेक्चर का आपसे सेपरेट टेस्ट लिया जाएगा जो आपके कोर्स मॉड्यूल में अपलोड होगा। आपने करना क्या है कि उस कोर्स के जो आपका टेस्ट है उसको आपने अटेम्प्ट करना, और साथ में उसको अपने इंस्ट्रक्टर को चेक करवा देना है। जो भी मिस्टेक्स होंगी, जो आपके कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर नहीं हो रहे होंगे, एक तो वो टेस्ट से इवैल्यूएट हम लोग कर लेंगे कि कहां कहां पे आपकी वीकनेस है, और दूसरा अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट लेक्चर में क्लियर नहीं होता तो वो भी आप अपने इंस्ट्रक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। आज का पहला लेक्चर है हमारा, इसमें हम इसके बेसिक्स देखेंगे, देन हम फर्दर आउटलाइन के मुताबिक ही इसको कंटिन्यू करते चलेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। आप तमाम लोगों के साथ मैं एक चीज शेयर करता हूं और आपको कहता हूं कि आप गूगल पर जाएं और सर्च करें कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का उर्दू में क्या मतलब है। बिल्कुल आपको एक ही जवाब मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उर्दू में भी मुआहदा होता है और एग्रीमेंट का मतलब भी उर्दू में मुआहदा होता है, और एक लेमैन जो कानून नहीं जानता उसके लिए भी ये दो टर्म्स एक जैसी हैं। तो क्या इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है जो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट से मुख्तलिफ बनाता है? वो एक एलिमेंट है, वो है इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट। आप लोगों ने ये याद रखना है, इनफोर्सिबिलिटी आपको वैसे रट जाएगी जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फॉर इंस्टेंस आपने किसी रजिस्टर पर लिख लेना है इनफोर्सिबिलिटी, आपको स्क्रीन पर भी ये वर्ड नजर आ रहा है। एक एग्रीमेंट में अगर इनफोर्सिबिलिटी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं होगा तो वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे, जो कुछ बोलें, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हमने समझा कि इनफोर्सिबिलिटी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, और अगर इनफोर्सिबिलिटी ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स से इसको क्लियर करते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम अली है, एक का नाम अहमद है। अली अहमद से कहता है कि आज रात खाने पर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बदले में अहमद कहता है कि ठीक है, अगर आज रात तुम मेरे घर पर खाने पर आए तो कल इंशाल्लाह हम लोग तुम्हारी तरफ खाने पर आएंगे। अब दोनों के दरमियान ओरल एग्रीमेंट हो जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा सोशल एग्रीमेंट है। इस तरह के कई वादे हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारब से करते रहते हैं। तो क्या इसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी है? इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर दोनों में से एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। तो क्या इस केस में कोई कोर्ट में जा सकता है? क्योंकि यहां पे इनफोर्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं है। अब इनफोर्सिबिलिटी कैसे आती है वो हम आगे देखेंगे, बट फिल वक्त हमने देखना है कि इनफोर्सिबिलिटी कितना जरूरी है। अब एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन की, कमर्शियल एग्रीमेंट्स की देखते हैं। अब दो पार्टीज हैं, ए और बी। ए का नाम अली है जिसके पास 500 मन गंदुम है, और बी का नाम अहमद है जिसके पास 50,000 रुपए है। फॉर इंस्टेंस बी अहमद अली को कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी गंदुम, 500 मन गंदुम 50,000 रुपए में खरीदूंगा। दोनों बैठते हैं, किसी पेपर पे लिखते हैं, साइन होते हैं, और अब ये एग्रीमेंट जो है, क्योंकि हुआ तो यहां पर भी एग्रीमेंट है अली और अहमद के दरमियान 500 मन गंदुम का, यहां पर भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसमें इनफोर्सिबिलिटी है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हैं और कुछ सर्टेन प्रोसीजर को भी फॉलो किया है। यहां पर दोनों कोई अजीजो अकारब नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है। दोनों अपनी अपनी ऑब्लिगेशन जानते हैं। एक बंदा 500 मन गंदुम देना जानता है और दूसरा
उसके बदले में 50,000 देना चाहता है। तो अब अगर इसमें से कोई पार्टी, फॉर इंस्टेंस अहमद कहता है कि मैं 50,000 नहीं देता, तो अली उसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा और उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाएगा, क्योंकि वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी है। अब इन्फोर्सेबिलिटी की वजह से एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसको अगर दो में से या दो से ज़ायद पार्टीज़ ने किया है, उनमें से कोई भी वायलेट करता है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता, तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोर्ट में जाके उससे वो ड्यूटीज़, वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करवा सकती हैं। आप लोगों ने यहाँ तक इस चीज़ को समझना है कि एक एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इन्फोर्सेबिलिटी बेसिकली कहाँ से आती है, इन्फोर्सेबिलिटी कहाँ से आती है? इन्फोर्सेबिलिटी आती है असेंशियल एलिमेंट्स से। एक एग्रीमेंट में या एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कहें उसमें असेंशियल एलिमेंट्स हैं तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एक चेन बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने ये चेन याद रखनी है, अगर इस चेन को आप लोगों ने याद रखा, आप इसको ना भूले, तो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो बड़े बड़े जो है ना स्टूडेंट्स का वकला हजरात का वीक होता है, सॉरी टू से, वो आपका नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक चेन, एक तरतीब, ये हम अपने जहन में याद रखेंगे। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले ऑफर होता है, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। एक पार्टी आती है, वो किसी को कोई ऑफर करती है, लाइक एक बंदा अपने साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, एक या एक से ज्यादा लोग होंगे, तो एक बंदा आएगा, फॉर इंस्टेंस ए आता है, ए का नाम अली है, अली आके किसी चीज को ऑफर करता है 500 मन गंदुम का, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, 500 मन गंदुम का ऑफर करता है। अब इसको क्या बोलेंगे, ऑफरर बोलेंगे, आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। एक बंदा ऑफर कर रहा है, उसको ऑफरर बोल रहे हैं, उसका नाम अली है, उसने 500 मन गंदुम बेचनी है। ऑफर किसी को तो करेगा, खुद से तो नहीं करेगा ना ऑफर, बी को करता है, बी का नाम अहमद है, बी को वो ऑफर करता है, कहता है मेरी 500 मन गंदुम ले लो और इसका मार्केट वैल्यू 50,000 है, मुझे 50,000 रुपए दे दो। अहमद को ये सौदा वारे में लगता है, वो ऑफर के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ऑफर जब आप किसी को करते हैं तो या तो उसकी एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है। हम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो हम यहां पर एक्सेप्टेंस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं अभी एक्सेप्टेंस। अगर रिजेक्शन हो गई तो वैसे खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। अब इस एक्सेप्टेंस के बाद दोनों में वादा होगा कि जी हाँ, अली कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें 500 मन गंदुम दूंगा, और अहमद कहता है जी ठीक है मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, एक प्रॉमिस हो गया। अब जब दोनों के दरमियान प्रॉमिस हो गया तो उसके बाद आती है हमारी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक लेके जाना है, एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना है, तो उसके अंदर कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। कंसीडरेशन किस चीज को कहते हैं? कंसीडरेशन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न को, बदले में दी जाने वाली चीज को। अब एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए यह जरूरी है कि जो दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन दोनों को एक दूसरे से बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा हो। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अली जो 500 मन गंदुम दे रहा है उसको गंदुम के बदले में क्या मिल रहा है, कंसीडरेशन अली के लिए क्या है? अली के लिए 50,000 रुपए कंसीडरेशन है, ठीक है। अली 500 मन गंदुम दे रहा है तो उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, ये कंसीडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग इन रिटर्न अली के लिए क्या है, 50,000 रुपए। अली गंदुम किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, बी का नाम अहमद है। अहमद के लिए कंसीडरेशन क्या है, अहमद क्या दे रहा है, अहमद 50,000 रुपए दे रहा है अली को, ठीक है। अब 50,000 के बदले अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अहमद के लिए क्या रिटर्न है। अहमद के लिए गंदुम रिटर्न है, 50,000 रुपए देकर गंदुम मिल रही है अहमद को। तो दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं इस वक्त, उन दोनों के लिए समथिंग इन रिटर्न मौजूद है इस एग्रीमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले एक बंदे ने ऑफर किया, ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई, एक्सेप्टेंस के बाद दोनों पार्टीज में एक प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस के बाद हमारी कंसीडरेशन आई, ठीक है। कंसीडरेशन आने के बाद हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट कैसे हुआ, एग्रीमेंट हमारा ऑरल भी हो सकता है, हमारा रिटन भी हो सकता है, हमारा इम्प्लाइड भी हो सकता है, बट यहाँ हम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए लेते हैं कि हमारा रिटन एग्रीमेंट हुआ। दोनों पार्टीज थी, दोनों पार्टी बैठी, उन्होंने रिटन एग्रीमेंट किया। अब ये एग्रीमेंट जो है इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये जो एग्रीमेंट है इसकी स्टेज आप देख रहे हैं कि इसमें ऑफर था, ऑफर की एक्सेप्टेंस थी, एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के बाद कंसीडरेशन आई, कंसीडरेशन के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हमारा रिटन है फर्ज करें। उसके बाद इस एग्रीमेंट के अंदर एक चीज ऐड हो रही है, आप देख रहे हैं साइड पे ऐड हो रही है, प्लस असेंशियल एलिमेंट्स, तो ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
अब वो एसेंशियल एलिमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन फिल वक्त हम देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब अगर अली मुकरेगा या अहमद मुकरेगा अपनी की हुई बात से, अपने किए हुए वादे से, अपने किए हुए प्रॉमिस से, तो दूसरी पार्टी अदालत में जाके उसको इन्फोर्स करवा सकती है, उसकी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करवा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट यही सिखाता है। अब यहां पे जो बात है एसेंशियल एलिमेंट्स की, फर्दर मैं आपके साथ एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करता हूं। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एग्रीमेंट की स्टेज तक तो प्रॉपर पहुंच गया, सारे प्रोसीजर को फॉलो किया, उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस सब चीज़ें हुई, लेकिन अब उस एग्रीमेंट के अंदर ये एसेंशियल एलिमेंट्स अगर ऐड नहीं है ना, एक एग्रीमेंट, एक सादा सा एग्रीमेंट जो हुआ है उसके अंदर ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड हैं, तो आपको शायद वो चेन भी फॉलो ना करनी पड़े, ये उस एग्रीमेंट के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी तो वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला एसेंशियल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब एक एग्रीमेंट जो हमारे सामने पड़ा है, पीस ऑफ पेपर पड़ा है, उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए समझना आसान है क्योंकि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है इसमें कि लीगल ऑब्लिगेशन या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए और हमारे ये कुछ पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगी कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब है। दो किस्म के एग्रीमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं और कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं। सोशल एग्रीमेंट्स का मतलब जो हम अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों अकारिब के साथ करते हैं, वादे कर देते हैं। अब उसमें हमारी ये इंटेंशन तो नहीं होती कि अगर इसने ये फुलफिल ना किया तो मैं इसको अदालत में लेके जाऊंगा, या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो हमारी नहीं थी ना। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, आप निकलते हैं सुबह, आप एक ताजर हैं, आप तजारत के लिए निकलते हैं, तो डेफिनेटली बात है आपको पता है कि आप अगर किसी को पैसे देके कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो अगर उसने वो आपको डिलीवर ना की पैसे लेने के बाद, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको पता है कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपका राइट क्या है। तो यहां पर आपके जहन में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, तो जो भी एक हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगी। तो ये दूसरा एसेंशियल है हमारा। तीसरा एसेंशियल हमारा है लॉफुल कंसीडरेशन। अब हमने कंसीडरेशन के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो, कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, लेकिन इसके साथ ये वर्ड लगा दिया गया लॉफुल कंसीडरेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब है कि हम बदले में जो चीज ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए जो बदला है, जो हमें मिल रही है, वो एक गैर कानूनी चीज़ ना हो। मतलब अगर हम दोनों, दो लोग अली और अहमद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक कैमरे का, तो बिल्कुल ठीक है, कैमरा कोई इलीगल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर दो पार्टीज अली और अहमद ड्रग्स का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्रग्स का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मैं पैसे ले रहा हूँ और उसको ड्रग्स दे रहा हूँ, तो ये समथिंग इन रिटर्न जो है उसके लिए जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। तो हमारी कंसीडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, जो चीज़ हम ले रहे हैं। लाइक मैंने, अब मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गंदुम है, मैं गंदुम बेच रहा हूँ, उसके बदले में मैं जो चीज़ ले रहा हूँ ना वो ड्रग्स है, अब वो कंसीडरेशन मेरे लिए लॉफुल नहीं है, मेरे लिए वो कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है। तो जो समथिंग इन रिटर्न है उसका भी कानूनी होना चाहिए, वो गैर कानूनी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने ये जहन में रखना है। तो कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, अब ये दोनों चीज़ें सेक्शन 23 में डिस्कस कर दी गई हैं, एक साथ डिस्कस्ड है कि कौन सी चीज़ें लॉफुल हैं, कौन सी चीज़ें लॉफुल नहीं है। सेक्शन नंबर 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप रिव्यू करेंगे, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसमें बताया गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है उस चीज़ का। लाइक अगर गाड़ी का मुआहदा हो रहा है तो गाड़ी सब्जेक्ट है, मैं अपना मोटरसाइकिल बेचना चाह रहा हूँ तो मोटरसाइकिल सब्जेक्ट है, मैं अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाह रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वो जो है ना अनलॉफुल चीज़, इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी सेक्शन 23 में डिस्कस कर दी गई है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर पॉइंट डिस्कस होता है फ्री कंसेंट का। अब आप लोगों ने कंसेंट का मतलब तो सुना होगा, कंसेंट का लफ्ज़ भी सुना होगा, कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी देना, हामी भरना। लेकिन इसके सामने ये जो वर्ड लगा दिया गया फ्री कंसेंट, रजामंदी तो दे दी लेकिन वो रजामंदी फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब है कि एक ऐसी रजामंदी, एक आपकी ऐसी हाँ जो कि 3 से 4 एलिमेंट से डिस्टर्ब ना हो। अब वो 3 से 4 एलिमेंट्स हम आगे देखेंगे, वो फ्रॉड से डिस्टर्ब ना हो। मतलब मैंने जिस चीज़ के लिए हाँ की थी वो हाँ मुझसे फ्रॉड करके करवाई गई थी। मैंने रजामंदी तो दे दी किसी चीज़ के लिए लेकिन वो रजामंदी मैंने फ्रॉड के ताबे आके दी। मैंने मुझे मिसरिप्रेजेंट किया गया और मैंने हाँ कर दिया। दूसरा पॉइंट हमारा फ्री कंसेंट को डिस्टर्ब करने वाला मिसरिप्रेजेंटेशन है। अनडू इन्फ्लुएंस,
जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो सुपीरियर इन रिलेशन था, उसने वो मेरे ऊपर जो है ना बोझ डाला इस चीज़ का, मैं उस रिलेशन के ताबे, मैं अपनी रजामंदी मैं देना नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे देनी पड़ी। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी कंसेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मैंने हाँ तो कर दी है, पेपर पे मेरे सिग्नेचर्स तो हैं, पेपर वैसे कानूनी फाइल में पड़े हैं, वो लीगल लग रहे हैं, मेरी कंसेंट है, लेकिन मेरी फ्री कंसेंट नहीं है। तो ये फ्री कंसेंट किस तरह पता चलेगा कि मेरी यहाँ फ्री कंसेंट नहीं थी? जब मैं बताऊंगा, मैं कोर्ट में जाके कहूंगा कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरी कंसेंट तो ले ली गई लेकिन मैं फ्री कंसेंट जो है ना नहीं दी वहां पर, तो ये कोर्ट में प्रूव होगी चीज। तो आपकी कंसेंट जो है वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये भी इसका एक बहुत बड़ा एसेंशियल है, और ये कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वॉइड बना देता है। वो आगे हम टाइप्स जब पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि वैलिड वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। फिल वक्त हमने समझना है कि फ्री कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद छठा पॉइंट है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी ऑफ पार्टी, मतलब जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कंपिटेंट होनी चाहिए। अब ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी के नाम से भी आगे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है, कंपिटेंट का क्या मतलब। कंपिटेंट का मतलब वैसे हम देखेंगे काबिल। कानून में कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन होता है? एक्सक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि ये लोग नहीं होने चाहिए, ये तीन लोग नहीं होने चाहिए, बाकी सब कंपिटेंट है। कौन तीन लोग नहीं होने चाहिए? पहला माइनर। माइनर किसको कहते हैं? माइनर एक ऐसा शख्स होता है जो 18 साल से कम उम्र का हो, आप तमाम लोग जानते होंगे। 18 साल की एज अटेन कर लेने के बाद मेजर तसव्वुर किया जाता है हर शख्स को। 18 साल से कम उम्र माइनर की डेफिनेशन में आएगा, और लॉ कहता है, एक मैगजीन आपको नजर आ रहा होगा, लॉ कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो। एक कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ अगर आपने करना चाहा तो वो इनिशियली वाइड होगा, ठीक है, वाइड एब इनिशियो। उसके बाद अगर आप किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तब भी पागल जो है वो कंपिटेंट नहीं है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये एग्रीमेंट की स्टेज से आगे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एसेंशियल एलिमेंट नहीं पूरे होंगे, ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए तो एग्रीमेंट तक रुक जाएगा, क्योंकि उसमें से एक एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि आपने पागल के साथ, आपने बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर लिया। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग काइंड है, आपने इंसॉल्वेंट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, तो वो हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा, वो वॉइड एग्रीमेंट तसव्वुर होगा। अब इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा शख्स जिसके पास ये सर्टिफिकेट कंपिटेंट कोर्ट की तरफ से मौजूद है कि उसके जो कर्जा जात हैं वो उसकी एसेट से, उसकी जायदाद से ज़्यादा है, मतलब उसके ऊपर लायबिलिटी उसकी जायदाद से ज़्यादा है, अगर उसकी सारी जायदाद बेच दी जाए फिर भी उसके कर्जे नहीं उतरेंगे, तो ऐसा शख्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। इंसॉल्वेंट के साथ, माइनर के साथ, और पागल के साथ, लूनेटिक के साथ अगर आप लोग किसी किस्म का एग्रीमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तसव्वुर नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये एसेंशियल एलिमेंट नंबर 6 मिसिंग होगा। देन सातवां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि लीगल फॉर्मेलिटी। अगर कानून ने किसी जगह एक्सप्रेसली आपको कह दिया है कि ये एग्रीमेंट आपका लिखित में होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कहता है कि जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो तो आप उसको रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, और 100 रुपए से नीचे की वैल्यू है तो आप उसको जैसे भी कर सकते हैं, रिटर्न में करना चाहे तो कर लें, इसके ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू करना चाहे तो कर लें, लेकिन जहां पे लॉ आपसे कुछ रिक्वायर करेगा, लिखित में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वहां पे ये फॉर्मेलिटी अगर आप पूरी नहीं करेंगे कि आप उसको रिटर्न में नहीं लेंगे, तब वो आपको इन्फोर्सेबल नहीं होगा भाई, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट नंबर 7 कि एक फॉर्मेलिटी थी जिसको आपने रिटर्न में लिखना था, एक एग्रीमेंट है जो आपने रिटर्न में लिखना है वो नहीं है, दैट्स ऑल, वो आपका इन्फोर्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है कुछ हमारे एग्रीमेंट्स लॉ कहता है कि ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपने इसको सिर्फ सादा कागज पर नहीं लिखना बल्कि एक स्टैम्प पेपर लेना है रजिस्टर्ड, क्योंकि स्टैम्प पेपर रजिस्टर्ड होता है, उसके ऊपर आपने इसको लिखना है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी आपने पे करनी है, तो ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है जो सर्टेन किस्म के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें लॉ कहता है, हम अगर उसको फुलफिल नहीं करते तो भी हमारा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये असेंशियल एलिमेंट उसमें से मिसिंग होगा, इन्फोर्सेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन हम आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट हमसे कहता है कि सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अब ये अब तमाम लोगों को पता होगा लेकिन इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, समझते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो सर्टेन होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कानून कहता है किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना हो, सब चीज़ें क्लियर हो। आप अली से 500 मन गंदम परचेज कर रहे हैं, ये 500 का वर्ड क्लियर कर रहे हैं ना कि आप अली से कितनी गंदम ले रहे हैं। अली के पास 5000 मन गंदम पड़ी है, अली आके कहते हैं मैं अहमद को गंदम बेचता हूँ, अली ए है ना, अहमद बी है, तो अली कहता है मैं 500 मन गंदम बेचता हूँ,
तो ये सर्टेनिटी ऑफ टर्म है कि 500 मन बेच रहा है और क्या बेच रहा है, गंदम बेच रहा है, कब बेच रहा है, किस तारीख को बेच रहा है, किस वक्त बेचेगा, कितने पैसे ले लिए हैं, कितने पैसे अदाशुद्ध हैं, कितने रहते हैं, ये एक एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, किस जगह पर लिए, ये सब कुछ आपका लिखा होना चाहिए, टर्म्स की सर्टेनिटी होनी चाहिए। अब अली कहता है कि मैं तुम्हें गंदम बेचता हूँ 50,000 में, कितनी गंदम बेचता है, कोई लिखा तो नहीं हुआ ना। तो यहां पर जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं होंगी तो आपका एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नौवा पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्रीमेंट दो पार्टीज के दरमियान हुआ है वो एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, एक ऐसी चीज़ का मुआहदा अगर हम लोगों ने कर लिया जो कि एक प्रूडेंट मैन देखता है और कहता है ये तो परफॉर्म ही नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें ए है, उसका भाई मर चुका है, वो बी जो कि डॉक्टर है उससे एक एग्रीमेंट करता है कि तुम मेरे भाई को ज़िंदा कर दो। अब ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म होना, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का एलिमेंट यहां से खत्म हो गया, तो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सका क्योंकि उसमें से एसेंशियल एलिमेंट नंबर 9 खत्म हो गया, इन्फोर्सिबिलिटी खत्म होगी। जब भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट हमारा है और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो कहता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें एक बाकायदा लिस्ट देता है, वो कहता है कि ये एग्रीमेंट्स अगर आपने किए तो वो वॉइड होंगे। तो हमने वैसा कोई एग्रीमेंट नहीं करना जो कॉन्ट्रैक्ट ने हमें कहा है कि ये वॉइड है। अगर हम वैसा कोई एग्रीमेंट करते हैं, वेजर, सट्टेबाजी, जुआ, ये इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं ये डिक्लेयर्ड है कि ये वॉइड है, तो हमने ये भी नहीं करने। तो ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अगर एक एग्रीमेंट, एक पीस ऑफ पेपर के अंदर ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हैं ना, तो वो एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर दूसरी पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी उसको वायलेट करती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करती है, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती, तो वो कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होगा, इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। किसी किस्म का सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स किस तरह से हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं। कभी भी पूछना चाहें ज़रूर पूछें, मैं खुशी महसूस करूँगा आपको असिस्ट करते हुए। अपना टेस्ट आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व करना है जो लेक्चर नंबर 1 से रिलेटेड है, और नोट्स को भी टैली करना है। मज़ीद खुद कुछ रिसर्च करनी है, कुछ मुख्तलिफ ऑथर्स को पढ़ना है ताकि जो बेसिक है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, हम इसके स्कोप को समझ सकें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।